KGM, you goons. 89.6 FM. हां जी नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, क्या हाल चाल। कन्या का नाम है आरजे रानी, आप सभी सुन रहे हैं ज्ञान विज्ञान एंड अ वेरी हैप्पी नेशनल साइंस डे। आज तो भाई हमारा दिन है साइंस वालों का। तो भैया देखो, आज नेशनल साइंस डे है तो उसके बारे में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपली आपको बता देती हूँ कि नेशनल साइंस डे जो है ना वो हम डॉक्टर सीवी रमन या सर सीवी रमन जी के याद में एंड उनका कंट्रीब्यूशन को जो है ना ग्लोरीफाई करने के लिए, याद करने के लिए जो है हम मनाते हैं। नेशनल साइंस डे बहुत इंपॉर्टेंट एक डे है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हूँ इस बार का, इस साल का हमारा नेशनल साइंस डे का जो थीम है ना वो है ग्लोबल वेलबींग। मतलब कि ग्लोबली जो है हमें हर एक चीज़ की जो है ना ध्यान रखनी है। जैसे कि हमें साइंस को एडवांस करना है लेकिन एनवायरनमेंट को जो है ना पोल्यूट नहीं करना है। जब हम साइंस के एडवांस के बारे में बात करते हैं, ना ही कोई एनिमल को, कोई तरह के ह्यूमन बीइंग को, कोई भी तरह के बीइंग को जो है ना हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते एंड जो है उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हम जो है साइंस के एडवांसमेंट या जो है ग्लोबली जो है चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना साइंस को बढ़ाना, यही है इस बार का थीम। एंड इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर भरत राज सिंह। एंड इनके बारे में मैं बोलूँ उससे बेहतर यही होगा कि ये अपने बारे में कुछ चीज़ें जो है ना आपको बताए ताकि आपको पता चले कि हमारे साथ कितने इंपॉर्टेंट जो है एक पर्सन जुड़े हुए हैं इस खास दिन में। तो हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि हम नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं एंड थोड़ा बहुत हम सर सीवी रमन के बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे। क्या मैं डॉक्टर भरतराज सिंह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से महानिदेशक इस समय बोल रहा हूँ और आज बहुत ही पुनीत दिवस है जो कि नेशनल साइंस डे 2023 आज मना रहे हैं, जिसमें ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग का थीम दिया गया है। हमारे इसमें मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी ये जो नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, तो इसके बारे में ये जानकर के खुशी होगी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारे साइंटिस्ट जो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में नवंबर 7, 1888 में पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी जो उनकी शुरुआती शिक्षा वो मद्रास से ही रही और वहाँ से मद्रास यूनिवर्सिटी में और गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट ही स्टूड फर्स्ट एंड वन गोल्ड मेडलिस्ट और उसके बाद MSc भी वहीं से कम्प्लीट किया। सबसे ज्यादा उनका महत्वपूर्ण रहा वो स्कैटर्ड लाइट, अगर फिजिक्स में देखें लाइट जो चल रही है वो स्कैटर्ड होती, उस पर उन्होंने अपना एक कार्य शोध कार्य किया जिससे वो फरवरी 28, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो लाइट जो है उसको हम उसका नाम बाद में रमन इफेक्ट दिया गया और उस शोध पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला, पहले भारतीय रहे साइंस में जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो चूंकि वो एक दिवस ऐसा रहा कि फरवरी 28, 1928 में, लेकिन इनका ये नेशनल साइंस डे पहली बार 1988 में मनाया गया और ये चूंकि इनका 28 फरवरी को इनको रमन इफेक्ट जो विश्व में नई लाइट के प्रोपोगेशन में एक नया अध्याय जोड़ा जो कि लोगों को तब तक ये जानकारी नहीं थी, स्कैटर्ड लाइट भी कहीं से कलेक्ट करके उसका भी उपयोग किया जा सकता है और उसका नाम रैली स्कैटरिंग के नाम से दिया गया
और अर्थ पर इसका इफेक्ट क्या होता है, सनलाइट से जब सीधे आती है तो ये कैसे डिफ्यूज होती है, क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कहा इनके जीवन का, कि इन्होंने जब 1927 में इनको नोबेल प्राइज के लिए घोषित किया गया, तो ये इनका जो लैब में इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली नहीं था, जैसे आजकल होता है कि शोध कार्य के लिए बड़े बड़े लैब, बहुत बड़े बड़े वो, और इन्होंने खुद एक लैब में तैयार किया और वो 1000 रुपए के अंदर भी इनका इंस्ट्रूमेंट था। तो ये सबसे बड़ी बात रही कि ये पैशनेट आदमी ही कर सकता है, एक इंटेलिजेंट आदमी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी चीजें कर सकता है, इतनी बड़ी ख्याति इनको मिली। आज हम उनको नमन करते हैं, पूरे भारत देश और विश्व में इन्होंने अपना जो इस शोध से तो अपनी एक चमत्कारिक वो रखा, जो कि उसका आगे काफी लाइट के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, तो इस रमन इफेक्ट का। और तो इनको एक्चुअली 27 में तो घोषित हुआ और इनको रमन इफेक्ट के लिए अवार्ड जो है 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। सर, जैसे कि साइंस एक ऐसी चीज है जो बच्चों को काफ़ी डराती है, बच्चे साइंस के नाम से ही थोड़े से घबराने लगते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से प्यार भी करते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल लेवल में एक कॉमन इंस्पिरेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के अंदर साइंस के लिए, वो हमें बताएं। और आज का यानी कि नेशनल साइंस डे का जो इस बार का थीम है वो है ग्लोबल वेलबींग, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। बच्चों को साह जागृत करने के लिए किसी भी चीज में, जब तक आप ज्ञान तो आप पुस्तकों से, घर में माता पिता से, गुरु से, जो भी कहते हैं, सारे ज्ञान मिलते रहते हैं, लेकिन विज्ञान और पराविज्ञान, विज्ञान तभी होता है जब आप अपने चिंतन से कोई चीज पैदा करने के, नई चीज अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर चिंता करके कोई चीज आगे बढ़ जाए, वो विज्ञान हो गया। और वो आप उसको कहीं न कहीं उसको वैलिडेट करें, कहीं न कहीं उसको इसको बताएं कि ये चीज से ये हो जा रहा है, तभी उसका विज्ञान का सार्थक रूप आता है। बच्चों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन सभी स्कूल कॉलेज में ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, ये ग्लोबल वेलबींग विज्ञान, विज्ञान मतलब पूरे विश्व में विज्ञान को और विश्व के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाए, इस थीम के आधार पर बना हुआ। तो हम कुछ बात अपनी बताना चाहेंगे कि अभी इस इंस्टीट्यूट में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस में मैं 2008 से हूँ, 2009 से इसमें कार्यरत हूँ, और बच्चों को मैंने काफी प्रेरित किया। किसी भी चीज के लिए अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं बच्चे, उसमें उत्सुक दिखते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने, इग्नाइट करने की जरूरत होती है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। छोटा बच्चा बहुत कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है, और उसके सामने तमाम वो अपने से ही उठा उठा कर देखता है, उसको तोड़ता है, टूटता है, जोड़ता है, की प्रयास करता है, उसको जानने की जिज्ञासा इसमें होती। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उम्र आगे बढ़ती है और चीजों में लगते जाते हैं, तो वो बचपन जो जिज्ञासा है, बचपन की जिज्ञासा, उसको कैसे बरकरार करें। जब आपकी जिज्ञासा हमेशा बरकरार रहेगी, तभी आप किसी भी क्षेत्र में अपना कुछ कर सकते हैं, और इस समाज के लिए, मनुष्य के लिए कुछ न कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तो उसको करने का तात्पर्य है, हमें भी ऐसा बचपन में आया कि ग्रंथों को पढ़ने और सब विज्ञान के पुस्तकों पढ़ने से तमाम लोगों के, वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, और वो हमने करके उनके फोटो लगाते थे, उनकी बायोग्राफी में पढ़ते थे, तो साधारण व्यक्ति के, साधारण परिवार से लोग चल करके कोई कोई नई चीज खोजे जो विश्व में लोगों को, समाज के लिए बहुत ही। सर, साइंस एक ऐसी चीज है जिसे हमें लगता है कि ये सिर्फ
इंटेलिजेंट वाले लोगों के लिए है, गॉड गिफ्टेड पर्सन के लिए है, या फिर उस इंसान के लिए है जो बहुत पढ़ाकू है एंड ऑल दैट. तो बेसिकली साइंस से जुड़ी बहुत सारी मिथ्स हैं कि आप साइंस नहीं परस्यू कर सकते अगर आपका आईक्यू लेवल इतना है एंड ऑल दैट. तो हम कैसे ये बात कन्वेंस कर सकते हैं लोगों की कि साइंस जो है वो सबों के लिए है? तो एक तो पहली चीज ये है कि ये कोई चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वैज्ञानिक या कोई ऐसी चीज साइंस को वही डेवलप कर सकता या तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया या बहुत बड़ी उसमें कोई भी हर एक में वो क्षमता है, कुछ न कुछ विशेषताएं हैं. वो उसको पैशनेट होकर के उसके पीछे लग करके उसके बारे में सोचे और नया कुछ करने के लिए तत्पर रहे, तो ये हो सकता है. मैंने भी बचपन में ये सोचा कि मैं क्यों नहीं वैज्ञानिक, सभी बन सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते हैं. मुझे ये लगा हनुमान जी जो है उड़ते हैं, ये क्यों उड़ते हैं, पंखा नहीं कुछ नहीं, तो उनके पास अगर एक गदा है तो गदा अगर हटा दिया है तो क्या उड़ेंगे. ये क्वेश्चन मेरा बचपन में अपने दादा परदादा से होता रहता था. तो चूंकि हमें तो ये लगता था कि हनुमान जी सामने है, उनसे कह दिया हटा दे तो उड़ेंगे कैसे. तो ये उस समय बचपन की बात है, लेकिन बाद में मैंने ये जब से ग्लोबल वार्मिंग और इन सब की बात आई तो मुझे लगा कि देखिए हमने क्लाइमेट को डैमेज, वहां के वायु को ही प्रदूषित कर दिया, पूरा नेचर डिस्टर्ब हो गया. अगर इसी वायु को हम ले लें, जीरो पॉल्यूशन हो जाए, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री और हमारे ट्रांसपोर्ट ही, ये दो का कंपोनेंट पूरे विश्व को प्रदूषित करने और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारक है, मेन मुख्य कारक यही, बाकी तमाम चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, लेकिन ये दो से जो इतना पैदा होता है वो 75% से ज्यादा. तो मैंने ट्रांसपोर्ट पर काम किया. आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कि आज उस पैशन और उसको रिटायरमेंट के बाद भी हम उस पर अपना शोध किया, पीएचडी ली, और उस शोध का ये परिणाम रहा कि उस पीएचडी केवल हमें धारण करके नहीं, मुझे ये था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं. तो हवा से चलने वाला एक इंजन है और जो केवल हवा ही ईंधन के रूप में काम करती है, कंप्रेस्ड एयर को हमने कन्वर्ट किया. और ये अमेरिका ने 2010 में इस सिद्धांत को एक इन्वेंशन माना गया और जो पूरे विश्व में 172 कंट्री में 22 जून 2010 को प्रसारित किया. तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं इसमें, वो जाने कि कुछ भी हो सकता है, गांव देहात से या कहीं शहर से, कहीं से भी आप हैं, अगर आपके चिंतन है किसी चीज में, आप कोई चीज विज्ञान के बारे में ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या चीज हम कर सकते हैं या क्या चीज इसमें है जानकारी हासिल, उसको हम परिवर्तित करके समाज के लिए कैसे हम उसको उपयोगी बना सकते हैं, तो निश्चित है कि आप उस पर कहीं ना कहीं असफलता के बाद सफलता मिलना बहुत ही मुमकिन रहता है. कोई भी आदमी सीढ़ी से चढ़ता है, बिना सीढ़ी के स्टेप से एकदम से आप आसमान नहीं छू सकते हैं, और आगे आप स्काई इज द ओनली लिमिट. अगर हम इमेजिनेशन, हमारे में ड्रीम है, सपने हैं, युवा सपने हैं, तो हम उसको पूर्ण कर सकते हैं. सर, मेरा जो लास्ट सवाल होगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो साइंस के फील्ड से जुड़े हैं, उनको हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, वो है कि डू यू बिलीव इन गॉड? बिकॉज हमेशा ये सोचते हैं लोग कि साइंस पे मानने वाला, साइंटिफिक चीज़ों पे मानने वाला इंसान गॉड या फिर वो यूनिवर्स को नहीं बिलीव करते होंगे, और हमेशा फेथ या रिलीजन को हम साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ क्लैश करते हैं, जबकि हमारा जो पौराणिक कथाएं हैं, जो माइथोलॉजी है, उन सारे चीज़ों में एविडेंस है कि किस तरीके से साइंस को जो है यूज़ करके उस वक्त भी लाइफ को जिया जाता था. तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं. इस दिवस पर इतना कहूंगा कि विज्ञान को, विज्ञान ने पूरे जीवन को बदल दिया, विज्ञान ने पूरे समय इतिहास को बदल दिया. क्या हम ये जानते हैं कि हमारे देश में पौराणिक ग्रंथ जो हैं वो पूरे विज्ञान से पूरे रूप से परिपूर्ण है. जितने हमारे वेद पुराण हैं वो सब भरे पड़े हुए हैं. चरक संहिता देख लीजिए, सारे शल्य चिकित्साएं हैं, वैमानिक शास्त्र देख लीजिए,
ये हमारी एक धरोहर हमेशा रही है और आज भी उसको उकेरने की जरूरत है। अगर हम उसको उसके अध्ययन को हम देखें, क्या ये ताज्जुब की बात होगी कि 80 प्रकार के विमान थे रामचंद्र के जमाने में भी। हम तो पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं, लेकिन विमान ये 80 प्रकार के विमानों की चर्चा है। और ये ग्रंथ में हमारे ऐसा नहीं है, ये ग्रंथ हमारा जो है उसमें महर्षि भरद्वाज ने लिखा था, जिसके 6 चैप्टर ही मिल पाए। उस 6 चैप्टर में उनने पूरे ग्रंथ में इसकी चर्चा है कि पायलट का पोशाक क्या होना चाहिए, वो विमान के मेटल क्या है, कैसे उसमें बैठने की व्यवस्था, सारी चीजें वो किससे चलता है। अब ये जान करके अगर हम यहाँ जो भी श्रोतागण है आपको ताज कि आज हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और सोलर की बात, उस वैमानिक शास्त्र में महर्षि भरद्वाज के में उसमें बिजली बनने के तरीके और सोलर के भी तरीके, सोलर का उपयोग, हवा के से चलने का उपयोग, ये सारी चीजें हैं ना, कि आज के हाइड्रोकार्बन जिससे हमारा पूरा विश्व प्रदूषित हो गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आज इस दिवस के लिए। इस पर बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का थीम भी, जिसमें विज्ञान से हम पूरे विश्व को कैसे अच्छे रूप में देख पाए, लोगों के लिए, जनमानस के लिए, इस धरती के लिए, हर चीज के लिए हम उसको कैसे अच्छे से जोड़ सकते हैं, जिससे लाभान्वित सब लोग। यहाँ पर नेचर को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, जीव जंतुओं को भी सबको डिस्टर्ब नहीं करना है, और ये समाज आगे बढ़ता जाए, ये हमारे मनुष्य मानवता आगे बढ़ती जाए, इससे ये शोध निरंतर चलते रहे। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 MHz पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। KGMU गूंज 89.6